हेलो फ्रेंड्स, आज हम गर्मी की स्पेशल सब्जी ग्वारफली उसकी एक नई रेसिपी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें हम थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें हमने जो ग्वारफली ली थी उनको डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमारी ग्वारफली भुननी शुरू हो गई है। इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनकर इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से चलाएंगे। फ्रेंड्स, आपको इसमें प्याज नहीं डालनी है, इसको सीधे ही ऐसे ही भूनना है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे। और इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, इतने हमारी ये ग्वारफली पक रही है, इतने हम सेकंड प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक पैन लेंगे, पैन को हल्का सा गर्म होने देंगे और उसमें 1 कप मूंगफली को ऐड कर डाल देंगे और इसे क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। हमारी मूंगफली 2 से 3 मिनट में भून के तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी जो मूंगफली थी उनका छिलका अच्छे से उतरने लगा है। मुझे इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के इनका सारी मूंगफली का छिलका हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, इतने हमारी ग्वारफली पक रही है, इतने हम ये मूंगफली के दाने जो थे वो मैंने सबका छिलका उतार दिया है। 2 टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 हरी मिर्च, इन सबको एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम अपनी सब्जी को चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से बन गई है। अब हमने जो टमाटो ये प्यूरी बना के रखी थी इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और फ्रेंड, ध्यान रहे ये ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, इसको थोड़ा सा जरजरा रखना है और इसे अच्छे से चलाएंगे। का पेस्ट बनाया था उसको इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसके हिसाब से थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, पहले भी हमने कुछ नमक डाला था, अब हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ा सा सूखा धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे। फ्रेंड्स, ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप एक बार जरूर बनाइए। और अगर आप कोई सब्जी अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्जी को बिल्कुल सूखा नहीं बनाया जाता है, ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली होती है। इतना ही थिक रखना चाहते हैं तो इतना ही थिक रहने दीजिए। अगर आप इसको हल्का सा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाती हूँ, हाँ, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बन के तैयार है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप इसको पूड़ी, रोटी, नान, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। जब भी आप इसको सर्व करें तो इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट जो कि है 1 चम्मच घी, वो इसमें ऐड कर दीजिए और फिर इस सब्जी का टेस्ट देखिए, क्या लाजवाब लगती है ये सब्जी। तो फ्रेंड्स, अपने घर में ये सब्जी ज़रूर बनाइए। तो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।